subscribe and press the bell icon for more videos from Yes I Can. हेलो दोस्तों, अगर परीक्षा की तैयारी सही तरीके से ना की जाए तो हमें सही रिजल्ट नहीं मिल पाता। यदि आप संविदा शिक्षक या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्टडी का सही तरीका पता होना चाहिए। मैं हूं प्रशांत और आज मैं आपको स्टडी के कुछ ऐसे रूल्स बताने वाला हूं जिनको फॉलो करने के बाद आपको बेस्ट रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। रूल नंबर वन है जस्ट स्टार्ट। हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए तो सोचते हैं लेकिन स्टार्ट कभी नहीं कर पाते। थोड़े दिन बाद बोलते हैं कि अब टाइम नहीं बचा। तो प्लीज़ सोचना छोड़िए, अभी भी टाइम निकला हुआ नहीं है और अभी से अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। रूल नंबर टू, फोकस। हम सभी की एक बहुत ही बुरी हैबिट होती है कि जब हम कहीं भी होते हैं तो हमेशा सोचते हैं कि हमें पढ़ाई करना है, लेकिन जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमारे दिमाग में यहाँ वहाँ के ख्याल आते हैं और पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो इस समय थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए अपनी स्टडी पर और यहाँ वहाँ की बातें सोचना छोड़िए। रूल नंबर थ्री है डिवाइड द सिलेबस। आप यह काम कर सकते हैं कि आपको जो भी सिलेबस पढ़ना है उसको वीक्स या डेज में डिवाइड कर लें और कोशिश करें कि जिस टॉपिक के लिए आपने जो टाइम डिसाइड किया है उसमें वो कवर हो जाए। रूल नंबर चार, मेक अ टू डू लिस्ट। दिन की शुरुआत में ही दिन भर के कामों यानी क्या पढ़ना है की लिस्ट तैयार कर लें और उस पर अमल करें। रूल नंबर फाइव, प्रिपेयर ऑल द सब्जेक्ट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स यह गलती करते हैं कि वो अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स तो पढ़ते हैं लेकिन जो सब्जेक्ट उन्हें कठिन लगते हैं उन्हें वो नहीं पढ़ते। मेरा एक फ्रेंड जो इंग्लिश में कमज़ोर है वह इंग्लिश को बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। ऐसा करना बिल्कुल गलत है, बल्कि उसे इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एक बात और, यदि आपको लगता है कि एग्ज़ाम में किसी सब्जेक्ट के कम मार्क्स हैं तो यह सब्जेक्ट हम छोड़ देते हैं तो यह भी गलत है। एग्ज़ाम में हर एक नंबर की इक्वल इम्पोर्टेंस है, तो आप सभी सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर करें। रूल नंबर सिक्स, मेक शॉर्ट नोट्स। जब आप किसी सब्जेक्ट को पहली बार पढ़ रहे हैं तभी से उसके शॉर्ट नोट्स तैयार करना स्टार्ट कर दें। शॉर्ट नोट्स में आपको पूरी डिटेल नहीं करनी है बल्कि वो कीवर्ड लिखना है जो उस सेंटेंस की पूरी कहानी आपको बताएगा। ये शॉर्ट नोट्स आपको लास्ट टाइम रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगले वीडियोस में मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। रूल नंबर सेवन, रीड क्वेश्चंस फर्स्ट। यह एक इम्पॉर्टेंट मेथड है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं उन्हें एक बार पहले से ही पढ़ लें। इससे होगा क्या कि जब आप टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो उनमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर आपका ध्यान खुद ब खुद चला जाएगा। रूल नंबर एट, राइट व्हाइल यू रीड। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसे लिखें ज़रूर, क्योंकि लिखने से चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छे से याद होती हैं। तो केवल पढ़ें नहीं बल्कि लिखें भी। लिखने की इम्पोर्टेंस मैंने अपने पिछले वीडियो में डिटेल में बताई थी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देखें। रूल नंबर नाइन, स्टडी इन शॉर्ट सेशंस। आप 30 मिनट से लेकर 50 मिनट के सेशन में पढ़ाई करें, 50 मिनट के बाद 10 मिनट का ब्रेक लें, क्योंकि एक स्टडी में बताया गया है कि हमारा माइंड 50 मिनट से ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता। शॉर्ट सेशंस में की गई पढ़ाई ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। रूल नंबर 10, टेक फुल स्लीप। रात में पूरी नींद लें, सोने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें और अगर ज़रूरत लगे तो दिन में भी 10 से 15 मिनट की पावर नैप ले सकते हैं। पावर नैप से माइंड रिफ्रेश हो जाता है। रूल नंबर 11, प्रैक्टिस एंड रिवाइज। यह वो चीज़ है जो आपको एग्ज़ाम में सफलता दिलाती है। आप जो भी स्टडी करें
उसकी प्रैक्टिस और रिवीजन ज़रूर करें। ये चीज़ें आपके पढ़े हुए को मेमोरी में फिक्स करती हैं। आप प्रैक्टिस के लिए सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर्स, मॉडल टेस्ट आदि का उपयोग कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक के लास्ट में उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम संविदा के बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट यानी शिक्षा शास्त्र पैडागॉजी की तैयारी चालू करेंगे, तो आप अगला वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपकी शिक्षा शास्त्र की तैयारी हो सके। नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।